तो हमारा आज का टॉपिक है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इन C++। सो कंस्ट्रक्टर, पहले तो ये था कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, वो हमने टॉपिक कर लिया। कंस्ट्रक्टर इज सेम एज वी यूज इन द क्लास नेम, जो हमारी क्लास वही नेम हम यूज करेंगे अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर। अब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है, जिसके अंदर हम एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर एक ही क्लास के अंदर सेम नेम से यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। दैट इज वी हैव मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इन ए क्लास विद द सेम नेम, तो उस कंसेप्ट को हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। एंड इसके अंदर क्या होगा, हर एक कंस्ट्रक्टर का अपना अलग से आर्गुमेंट होगा। मींस कंस्ट्रक्टर का नेम सेम रहेगा, लेकिन उस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो हम आर्गुमेंट्स को पास करवाएंगे उनकी वैल्यू डिफर होगी पिछले कंस्ट्रक्टर से भी, और नेक्स्ट जो अपकमिंग कंस्ट्रक्टर होगा उससे भी। सो दिस कंसेप्ट इज नोन एज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, एंड दिस इज क्विट सिमिलर इज फंक्शन ओवरलोडिंग। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, क्या है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। वी हैव मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इन ए क्लास with the same name as long as each has different list of arguments. This concept is known as constructor overloading. That is, एक ही क्लास के अंदर एक से ज्यादा अगर हमारे पास कंस्ट्रक्टर होते हैं विद द सेम नेम, उसको हम क्या बोलेंगे, दिस फंक्शन इज अ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। बट उनके सभी के अपने अपने आर्गुमेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, डिफर होंगे। नेक्स्ट वन इज पॉइंट्स इज ओवरलोड कंस्ट्रक्टर इसेंशियली हैव द सेम नेम। जितने भी हमारे पास ओवरलोडेड के उनका नेम क्या रहेगा, सेम रहेगा। किसके नेम के साथ, नेम ऑफ द क्लास। जो हमारी क्लास का नेम होगा वही हमारे कंस्ट्रक्टर का नेम होगा, बट आर्गुमेंट्स उनके अंदर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अब आर्गुमेंट्स है क्या, जिनकी वैल्यू को हम इनिशियलाइज करवा आते हैं पैराथिंसिस ब्रैकेट्स के अंदर, उनकी वैल्यूज वो हर कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफर होगी, ठीक है जी। सेकंड वन इज ए कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर एंड टाइप ऑफ आर्गुमेंट पास्ड। कंस्ट्रक्टर किन के ऊपर डिपेंड करेगा, कौन कौन से आर्गुमेंट्स हम अपनी प्रोग्राम के अंदर और हम अपने फंक्शंस के अंदर इनको पास करवा रहे हैं। थर्ड वन इज While creating the object, argument must be passed to let compiler know which constructor needs to be called. कि जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तो जो हमारे आर्गुमेंट्स होते हैं, जैसे कंपाइल होता है हमारा प्रोग्राम, तो जब हम आर्गुमेंट्स को पास करवाते हैं तो ये हमें बताएगा कि हमने कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाना है। दैट मींस ऑब्जेक्ट के साथ हमने कौन सी वैल्यू को, कौन से कंस्ट्रक्टर की वैल्यू को कॉल करवाना है। इन शॉर्ट अगर हम इसको ओवरव्यू लेके चले तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है जिसके अंदर क्लास के अंदर एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर होते हैं बट नेम इज सिमिलर टू क्लास इज नोन एज अ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, बट ईच हैज अ डिफरेंट लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स। अब इसका रिगार्डिंग इसका प्रोग्राम है नीचे, वो अभी हम देखते हैं कि प्रोग्राम में क्या क्या है। फर्स्ट वन इज प्रोग्राम, देखो पहले आपको ये पता है ना कि मैंने उस दिन भी आपसे पूछा था कि हमने ये वाला क्यों यूज किया है। दिस इज यूज्ड फॉर कमेंट सेक्शन, जो आपका ये चीज है इस ये आपके प्रोग्राम के अंदर नहीं आएगा, इतना तो क्लियर है ना आपको। इट्स जस्ट फॉर एन अंडरस्टैंडिंग कि अभी हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग yes, का प्रोग्राम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम अभी यहाँ से स्टार्ट है। हैश इंक्लूड iostream.h, हमने हेडर फाइल्स लगा दी, नेम स्पेस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस, देन हमने क्लास बनाई, हमारी क्लास का क्या नेम है, कंस्ट्रक्ट। अब दैट मींस जो हमारी क्लास का नेम है वही हमारे कंस्ट्रक्टर का नेम होगा। दैट इज अगर हमारी क्लास है कंस्ट्रक्ट तो हमारे कंस्ट्रक्टर के नेम भी क्या होंगे, कंस्ट्रक्ट, ठीक है। अब उसके अंदर हम पहले एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं विदाउट पैरामीटर्स, जिसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं है पब्लिकली। में देखो फ्लोट हमने ले लिया एरिया की, हमने एरिया को कैलकुलेट करना है, तो ये हमारा एक हमने फर्स्ट कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके अंदर हमने पैराथिनसिस ब्रैकेट के अंदर कोई भी हाँ जी मैम, स्क्रीन नीचे नहीं हो रही, बस हेडर फाइल्स पे रुकी हुई है। जस्ट वेट, अब ठीक है। यस मैम,
ठीक है, ये देखो ये हमारी हेडर फाइल्स थी, ठीक है। उसके बाद हमने क्लास बनाई, क्लास का क्या नेम लिखा, कंस्ट्रक्ट। अभी हमने उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया विदाउट पैरामीटर्स, ये देखो इसके अंदर हमने कोई भी पैरामीटर को पास नहीं करवाया, और हमने यहाँ पे एरिया की वैल्यू बाय डिफॉल्ट लिख दी जीरो, कि अभी हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमने कोई पैरामीटर पास नहीं करवाया, तो हमारा उसकी एरिया की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। सेकंड वन इज, सेकंड हम एक और कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, सेम कौन से नेम से, कंस्ट्रक्ट के नेम से ही, लेकिन उसके अंदर हम दो पैरामीटर को पास करवा रहे हैं, ये देखो कंस्ट्रक्ट इंट ए कोमा इंट बी। तो हमें एरिया का फॉर्मूला पता है क्या है, ए इंटू बी, तो इसके अंदर हमने उन दोनों कंस्ट्रक्टर की वैल्यू को यहाँ पे क्या करवा दिया, इनिशियलाइज करवा दिया। उसके बाद हमने इनकी वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए फंक्शन बनाया अपना void disp, और उस वैल्यू को हमने यहाँ पे प्रिंटिंग के लिए कमांड दे दी, सी आउट एरिया, किसको किसकी वैल्यू को प्रिंट होना, हमारी किस कौन सी वैल्यू को, एरिया की वैल्यू को हमारी प्रिंट होगी। एरिया की वैल्यू क्या आएगी, जो हम ए एंड बी की वैल्यू देंगे, दैट इज 10, 20, 30, 40, तो उनकी कैलकुलेशन होके हमें क्या प्रिंटिंग आ जाएगा, एरिया। तो यहाँ पे हमारी क्लास क्या हो गई, क्लोज्ड। यहाँ तक पता चला, अभी हमने यहाँ तक क्या किया, हमने क्लास बनाई कंस्ट्रक्ट, उसी क्लास के नेम से हमने दो कंस्ट्रक्टर बनाए, और उन कंस्ट्रक्टर का नेम भी क्या रहेगा, सिमिलर टू क्लास, ये हमारी क्लास का नेम है कंस्ट्रक्ट। उसके बाद जो कंस्ट्रक्टर बनाए थे, एक ये है कंस्ट्रक्टर, एक हमारा कंस्ट्रक्टर कौन सा है, दिस वन। एक के अंदर हमने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया, ये देखो पैरेंथेसिस ब्रैकेट एम्प्टी है, यहाँ पे कोई भी पैरामीटर हमने पास नहीं किया। सेकंड कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने दो पैरामीटर को पास करवाया, इंट ए एंड इंट बी, और उन दोनों की पैरामीटर की फंक्शन को यहाँ पे हमने डिस्प्ले करा दिया बाय यूजिंग अ डिस्प फंक्शन। यहां तक क्लियर होगा, yes, किसी डाउट या, ठीक है। अब हमने हमारा ये था जो मेन था कंसेप्ट, वो हमने ऊपर सारा कर लिया। अब हमने इसके अंदर क्या क्रिएट करना है, ऑब्जेक्ट। अब देखो यही प्रोग्राम को पहले ऊपर से देखो, हमारे पास कितने कंस्ट्रक्टर हैं, दो कंस्ट्रक्टर हैं, तो दैट मीन्स हमारे ऑब्जेक्ट्स भी कितने क्रिएट होंगे, दो क्रिएट होंगे, यस और नो। एक ये वाले कंस्ट्रक्टर के लिए और एक ये वाले कंस्ट्रक्टर के लिए, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर क्या है, इंट मेन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग विद टू डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स ऑफ अ क्लास नेम। सबसे पहले हमारा ये था कंस्ट्रक्ट, क्लास का नेम, उसके साथ हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जीरो या ओ कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, ये आपके ऑब्जेक्ट का नेम है। सेकेंड वन कंस्ट्रक्ट टू, जिसके अंदर, जस्ट वेट, अभी शो रही है, इंट मेन से फंक्शन जो शुरू हो रहा है दिख रहा है, हाँ पे वही से स्टार्ट हो रहा है आपका, यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ये देखो इंट मेन, नाउ इज इट विजिबल, यस मैम, यस ओके। अब देखो हमने दो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, ओ एंड ओ टू, जो हमारा ओ वाला ऑब्जेक्ट था उसके साथ हमारे पास कोई भी पैरामीटर यहाँ पे नहीं है, लेकिन जो सेकंड ऑब्जेक्ट इसके क्रिएट किया उसके अंदर हमने दो अपनी वैल्यू को इनिशियलाइज करवा दिया। यहाँ पे वैल्यू कौन कौन सी है, 10 and 20, कि हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 10 और बी की वैल्यू क्या है 20, और जो हमने यहाँ पे फंक्शन किया था डिस्प, उसको भी हमने ऑब्जेक्ट के साथ एक बार विदाउट पैरामीटर वाले फंक्शन के साथ कॉल करवाई, और सेकंड इज विद पैरामीटर वाले फंक्शन के साथ हमने कॉल करवाई। पता चला अभी ये वाला टॉपिक, उसके बाद हमने वैल्यू रिटर्न की, गेट सी होल्ड अ स्क्रीन, एंड हमारा प्रोग्राम यहाँ पे क्लोज्ड हो गया। अब हमारी जो फर्स्ट आउटपुट आएगी, फर्स्ट आउटपुट के अंदर एरिया की वैल्यू क्या आएगी, जीरो, बिकॉज हमने इसके अंदर कोई भी पैरामीटर को पास नहीं करवाया था। लेकिन जो हमारी सेकंड वैल्यू आएगी उसके अंदर क्या आएगा, एरिया में ए की वैल्यू क्या है 10 और बी की वैल्यू क्या है 20, सो 20 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हुआ, 20 10 जा 200, सो सेकंड वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 200। क्लियर हुआ ये वाला कंसेप्ट, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर
ओवरलोडिंग, या हम इसको बोल सकते हैं मल्टीपल कंस्ट्रक्टर, कि एक ही उसके अंदर हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर के अंदर हम एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर को बना रहे हैं एक ही क्लास के अंदर. क्लियर है ये वाला? ये यस था मैम, आपका यस प्रोग्राम. मैम, किसी को डाउट? नो ठीक है, मैम, अब हम एक मिनट रुको बस. अब हम सेकंड टॉपिक कर रहे हैं, डायनामिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन C++. अब इसके ऊपर आते हैं कि डायनामिक इनिशियलाइजेशन क्या है. ठीक है, डायनामिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स रेफर्स टू इनिशियलाइजिंग द ऑब्जेक्ट एट अ रन टाइम, कि जब हम रन टाइम के ऊपर अपने ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करवाते हैं, दैट मींस जब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है तब हम उसकी वैल्यू को क्रिएट करवा रहे हैं, दैट इज इनिशियलाइज करवा रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायनामिक इनिशियलाइजेशन. ठीक है जी, इट कैन बी अचीव्ड. ये कहाँ से अचीव होगा हमारा? बाय यूजिंग अ कंस्ट्रक्टर एंड बाय पासिंग पैरामीटर्स टू द कंस्ट्रक्टर, कि जो भी हमने पैरामीटर्स, दैट इज जो भी हमने वैल्यू पास करनी है कंस्ट्रक्टर से, ये हमें वैल्यू वहां से क्रिएट होगी. एंड ये हमें मिलेगी कब? जब एक ही क्लास के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर यूज होंगे विद डिफरेंट इनपुट, या विद सेम इनपुट विद डिफरेंट आउटपुट एंड विद डिफरेंट इनपुट्स. सो डायनामिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है C++ के अंदर, अगर हम इसका ओवरव्यू लेके चलें, कि जब भी हम ऑब्जेक्ट की वैल्यू को इनिशियलाइज करवाते हैं ड्यूरिंग अ रन टाइम, तो दैट वो हमारा प्रोग्राम क्या होता है? डायनामिक इनिशियलाइजेशन, कि हम उसके अंदर जब भी हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है तब हम उसके अंदर कोई वैल्यू को इनिशियलाइज करवा रहे हैं. ये होता किसके अंदर है? जिसके अंदर एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर यूज होते हैं क्लास के अंदर, ये हम उसकी वैल्यू को तब इनिशियलाइज करवाते हैं. ठीक है, इसके अंदर अभी दो तीन टॉपिक आएंगे छोटे छोटे से, कि डायनामिक कंस्ट्रक्टर क्या है. उसके बाद हम डायनामिक कंस्ट्रक्टर के अंदर हम पहले उसकी वैल्यू को एलोकेट करवाते हैं बाई यूजिंग अ कीवर्ड न्यू, और उसकी वैल्यू को डी एलोकेट. डी एलोकेट का क्या मतलब है? हम उसकी वैल्यू को डिलीट कर रहे हैं बाई यूजिंग द कीवर्ड डेल. ठीक है, सो अब हम करेंगे डायनामिक कंस्ट्रक्टर. डायनामिक कंस्ट्रक्टर क्या है? द कंस्ट्रक्टर यूज्ड फॉर एलोकेट द मेमोरी एट रन टाइम. जो हमारी मेमोरी हम एलोकेट करते हैं रन टाइम के अकॉर्डिंग, वो उसको उस मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? कि दिस इज द डायनामिक कंस्ट्रक्टर, बिकॉज वो अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम चेंज होती जाएगी, इट विल नॉट रिमेन अ स्टेबल. सो जो जैसा हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे उस अकॉर्डिंग हम उसके अंदर अपनी मेमोरी एलोकेट करेंगे, 2, 3 MB, 4 MB. सो उस अकॉर्डिंग कंपाइलर रन टाइम के अकॉर्डिंग जो मेमोरी को एलोकेट करेगा उसको हम क्या बोलते हैं? डायनामिक कंस्ट्रक्टर. द मेमोरी इज एलोकेटेड रन टाइम यूजिंग अ न्यू ऑपरेटर. ठीक है जी, एंड सिमिलरली द मेमोरी इज डी एलोकेट रन टाइम यूजिंग द डिलीट ऑपरेटर. जो मैंने आपको पहले बताया था कि न्यू ऑपरेटर के साथ हमारी मेमोरी एलोकेट होगी और डिलीट ऑपरेटर के साथ हमारी मेमोरी क्या होगी? डी एलोकेट होगी. यहां तक कोई भी डाउट हो, एनी डाउट कि क्या है ये? क्योंकि आगे अब इसका आएगा प्रोग्राम, कि हमने पहले मेमोरी एलोकेट कैसे करनी है बाय यूजिंग अ न्यू ऑपरेटर कीवर्ड यूजिंग अ न्यू, और कैसे डी एलोकेट करनी है बाय यूजिंग द ऑपरेटर डिलीट. यहाँ तक क्लियर हुआ क्या है डायनामिक इनिशियलाइजेशन? कि क्या है? जब हम प्रोग्राम रन टाइम ड्यूरिंग द रन टाइम हम अपनी वैल्यू को ऑब्जेक्ट की वैल्यू को इनिशियलाइज करवाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? डायनामिक इनिशियलाइजेशन. क्लियर? अभी यस मैम, स्क्रीन विजिबल है आपको? अभी यहाँ से देखो अप्रोच से. यस मैम, ठीक है. अब देखो इसके अंदर उन्होंने क्या बोला, दो पॉइंट्स हैं. फर्स्ट पॉइंट के अंदर क्या बोला, इन द बिलो एग्जांपल हमने एक न्यू की ऑपरेटर को यूज किया अपनी मेमोरी को एलोकेट करने के लिए. उसके बाद उस वैल्यू को किसके साथ हमने एलोकेट करना है? पॉइंटर के साथ, पीटीआर. ठीक है, तो अभी हम प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके अंदर. उसके अंदर देखो क्या है, सबसे पहले हमने क्या लिखा, हेडर फाइल्स. दोनों अपनी हेडर फाइल्स हमने यहाँ पे की. उसके बाद क्लास हमने एक क्रिएट की, उस क्लास का क्या नेम लिखा हमने? गीक्स. हम कोई भी क्लास बना सकते हैं, तो अभी हमें हमारी क्लास का नेम क्या है? गीक्स. दैट मीन्स अब जब हम इसके अंदर कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो हमारे कंस्ट्रक्टर का नेम भी क्या रहेगा? गीक्स. उसके बाद हमने इंट यूज करके इंट के साथ अपनी वैल्यू बताई पॉइंटर. पॉइंटर के साथ हमने और
ऑलवेज एच का लगाते हैं, बिकॉज ये पॉइंटर हमारी मेमोरी को एलोकेट करेगा कि हमारी कौन सी जगह पे कौन सी कितनी मेमोरी हमने स्टोर करनी है. इंट हमने क्यों यूज की, डाटा टाइप फॉर इंट वेरिएबल के लिए, कि जो हमारा डाटा होगा मेमोरी का वो ऑलवेज इंटीजर वैल्यू ही रहेगा. ठीक है, पब्लिकली के अंदर यस. नेक्स्ट वन इज पब्लिकली, पब्लिक के अंदर हमने क्या किया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया. फर्स्ट कंस्ट्रक्टर था हमारा गीक्स, और उसके अंदर हमने कोई भी पैरामीटर को पास नहीं करवाया. ठीक है, उसके अंदर हमने न्यू कीवर्ड के साथ जो हमारी ये पॉइंटर की वैल्यू थी इसको हमने एलोकेट किया. ये देखो पॉइंटर, ठीक है, उसके बाद इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड की हमने अब इसकी वैल्यू को यहाँ पे क्या किया, न्यू कीवर्ड इज यूज्ड फॉर मेमोरी एलोकेटिंग. ठीक है, कौन सी वैल्यू होगी हमारी, इंट, और उस पॉइंटर की वैल्यू हमने यहाँ पे डिक्लेयर करवा दी कितनी है, इज इक्वल टू 10. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? देखो हमने क्लास बनाई, क्लास के अंदर हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने न्यू कीवर्ड को यूज करके उसकी मेमोरी को एलोकेट करवा दिया कि जो हमारी पॉइंटर की पोजीशन होगी या पॉइंटर की वैल्यू होगी वो कहाँ तक है, 10. ठीक है, अब हम इस वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए हमें फंक्शन की नीड है, तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, void display function, function to display the value of pointer. तो वो हमने वैल्यू को सी आउट करवा दिया. अब हमें यहाँ से क्लियर हो रहा है हमारी आउटपुट क्या आएगी, हम यहाँ पे क्या सी आउट क्या करवा रहे हैं, स्टार पॉइंटर. तो स्टार पॉइंटर की वैल्यू कितनी है, 10. तो मींस यहाँ तक मेन जो प्रोग्राम था वो हमारा यहाँ तक ही था. अभी हमने इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट को ही क्रिएट करना है, जैसे हमने प्रीवियस प्रोग्राम के अंदर किया था. ये हमारी क्लास थी, क्लास हमारी यहाँ से स्टार्ट हुई. क्लास के अंदर हमने एक वेरिएबल को इनिशियलाइज किया, दैट इज पॉइंटर. पॉइंटर के साथ हमने न्यू मेमोरी को एलोकेट किया और उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे डिक्लेयर करवा दी, दैट इज 10, और उसको फंक्शन void display फंक्शन के साथ यहाँ पे सी आउट करवा दिया. यहाँ पे हमारी क्लास क्या होगी, फिनिश. अब हम मेन फंक्शन करेंगे, और मेन फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट के साथ ये वाले फंक्शंस को क्या कराएंगे, गीक्स एंड पॉइंटर को कॉल करेंगे. ठीक है, अब देखो ड्राइवर कोड मेन, मेन के अंदर हमारी क्लास क्या थी, गीक्स. गीक्स के अंदर हमने अपने ऑब्जेक्ट को बनाया, ऑब्जेक्ट क्या नेम क्या लिखा हमने, ऑब्जेक्ट वन, और उस ऑब्जेक्ट वन के साथ हमने ये वाले फंक्शन को अपने को क्या कर दिया, कॉल कर दिया, और रिटर्न 0. वैल्यू क्या आएगी आउटपुट, 10. पता चला या नहीं? यस बेबी, बॉबी, गौरी, हरदीप, ममता, बच्चे क्लियर हुआ ये वाला प्रोग्राम, एलोकेट अ मेमोरी? यस मैम. अभी हमें डी एलोकेट करनी है. डी एलोकेट के अंदर हम क्या यूज करेंगे, डिलीट. अब देखो डी एलोकेट का सेकंड, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया हमारे ऊपर कौन सा ऑब्जेक्ट, यही वाला प्रोग्राम है ना जो ऊपर हमने ये किया, ये सेम रहेगा. इसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, अब इसको ओवरराइट नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे डिलीट. ओके, ये देखो इन द बिलो कोड डिलीट इज यूज्ड टू डायनामिकली फ्री द मेमोरी, की जो हमने मेमोरी एलोकेट की थी उस मेमोरी को फ्री करने के लिए हमको क्या यूज करेंगे, डिलीट. द कंटेंट ऑफ ऑब्जेक्ट वन आर ओवर रिटर्न इन द ऑब्जेक्ट टू यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर, देन ऑब्जेक्ट वन इज डी एलोकेटेड बाई यूजिंग द डिलीट ऑपरेटर. तो हम ऑब्जेक्ट वन को क्या कर देंगे, बाई वन डीएलोकेट कर देंगे जितनी भी उसकी मेमोरी थी. अब ये वाला जो प्रोग्राम है आपका, ये हाफ प्रोग्राम आपका सिमिलर है इन द एलोकेशन मेमोरी. देखो कैसे सिमिलर है, हेडर फाइल्स प्रोग्राम विजिबल है बच्चे सभी को? यस मैम. यस मैम. ओके, अब देख के अंदर हैश इंक्लूड iostream.h यूजिंग नेमस्पेस. ऊपर भी हमने क्या क्लास बनाई थी, गीक्स, उसके साथ हमने अपने वेरिएबल्स को डिफाइन कर दिया था, देन हमने पब्लिकली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिया था. ये वैल्यू सेम ही है, सिमिलर देखो ऊपर जैसे हमने किया था. हां जी मैम. यस,
देन हमने फंक्शन लिया था डिस्प्ले, और उस फंक्शन के अंदर हमने वो वाली वैल्यू को क्या किया था, अपनी वैल्यू को डिस्प्ले करवा दिया था, ठीक है। उसके बाद मेन फंक्शन, अब यहाँ पे हम मेमोरी को डी एलोकेट करेंगे, वो हमारी आएगी मेन फंक्शन के अंदर। अब देखो इसके अंदर क्या है, जब हमने फर्स्ट लिया डायनामिकली एलोकेट मेमोरी यूजिंग न्यू ऑपरेटर, तो हमने क्या किया था, गीक्स ऑब्जेक्ट वन इज इक्वल टू न्यू गीक्स वन, देन सेकंड ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया गीक्स ऑब्जेक्ट टू न्यू गीक्स। अब देखो इन दोनों में हमने दो ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया, दैट इज ऑब्जेक्ट वन एंड ऑब्जेक्ट टू, लेकिन इन जो जिसके साथ इसकी वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं वो क्या है, हमारा फंक्शन न्यू गीक्स। दोनों ऑब्जेक्ट वन का भी क्या है न्यू गीक्स, एंड ऑब्जेक्ट टू का भी क्या है न्यू गीक्स। तो हमने ऑब्जेक्ट वन को किसके इक्वल कर दिया, ऑब्जेक्ट टू के इक्वल। अब इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओवरराइट हो जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट वन की 10 है तो हमें ऑब्जेक्ट टू की भी क्या शो होगी, 10। अगर ऑब्जेक्ट टू की 20 है तो ऑब्जेक्ट वन की भी क्या शो होगी, 20। जब इन दोनों ऑब्जेक्ट को कॉल किया तो उसके बाद बाय यूजिंग द डिलीट फॉर डी एलोकेट द मेमोरी, हमने वो ऑब्जेक्ट वन की मेमोरी को क्या कर दिया, डी एलोकेट कर दिया। तो दोनों की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 10 10। अब 10 10 वैल्यू हमारे पास क्यों आई, बिकॉज यहाँ पे हमारी वैल्यू थी दोनों की सिमिलर, ऑब्जेक्ट वन की भी 10 है, ऑब्जेक्ट टू की भी 10 है। तो वाई यूजिंग द डिलीट ऑपरेटर या डिलीट कीवर्ड हमने वो वाली मेमोरी को क्या कर दिया, डी एलोकेट कर दिया। जब हमने मेमोरी एलोकेट करनी है तो बाई यूजिंग द न्यू, और जब हमने मेमोरी डी एलोकेट करनी है देन बाई यूजिंग द डिलीट कीवर्ड के साथ हम अपनी उस मेमोरी को डी एलोकेट कर दोगे, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक।